हे गाइज, गुड मॉर्निंग। तो ये है सुबह सुबह का टाइम और आज सुबह सुबह ध्रुव के लंच में जाने वाला है पोहा, जो कि ध्रुव ने रात को ही डिमांड की थी कि मम्मा कल सुबह मैं पोहा लेके जाऊँगा, और मैं पोहा बना रही हूँ फटाफट से। मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा ब्लॉग भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ गाइज। आप लोग किसे बनाते हो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिल्कुल हल्के से जैसे टमाटर प्याज मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया इनको, उसके बाद जो बेसिक से मसाले, लाल मिर्च मैंने बहुत ही कम डाली है क्योंकि हरी मिर्च डाली हुई थी इसीलिए। हाँ जी, तो गाइस जो भी कोई ब्लॉग पूरा देख रहा है, और ये देखिए हमारे पोहे हैं। मैंने ना थोड़ी देर पहले ही ना इनको भिगो लिया था, भिगो के फिर इनको ना थोड़ा सा ड्राई कर लिया। ये देखिए कितने खिले खिले से लग रहे हैं ना। इनको ज़्यादा देर तक भिगो लेते हैं ना तो ये बिल्कुल एकदम खिचड़ी जैसे बन जाते हैं। हमें ज़्यादा देर नहीं भिगोना, हल्के हल्के से हमें इनको ड्राई कर लेना जल्दी से पानी से निकाल के, और अभी इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और गाइस पोहे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं आजकल, ध्रुव बहुत अच्छे से खुश होके खा रहा है। और यहाँ पे ये देखिए हल्की से मैंने ऊपर से डाली थी थोड़ी सी चीनी, एंड अभी ऊपर से डालूँगी हाफ लेमन। आप चाहो तो इसमें फुल भी डाल सकते हो, बट मैं हाफ ही डालूँगी ताकि थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट आए। और सुबह सुबह ऐसे बना के खाओ ना, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। हम लोग इसको ब्रेकफास्ट भी में खाएँगे क्योंकि थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बना लिया। तो अभी ध्रुव जा चुका है स्कूल, और उसके स्कूल जाने के बाद मैं थोड़ी सी देर गई थी पार्क में, एंड अभी आई हूँ। तो ये बहुत सारे और अभी पार्क से आई थी, तो पार्क से आने के बाद मैंने सोचा चलिए अलमारी को भी अच्छे से सेट कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह आज थोड़ा सा टाइम था। और ये रात एक सारे कपड़े वॉश करके रखे हुए थे, तो अभी इनको अच्छे से जल्दी से फटाफट से फोल्ड करके अलमारी में सेट कर देती हूँ, तभी मतलब बनता है कि हाँ हमने कपड़े धो लिए, जब अच्छे से सेट हो जाए अलमारी में। तो जब अलमारी अच्छे से हमारी सेट हो जाती है, तो आप सच बताइए आप सभी के भी कुछ ऐसे कपड़े निकलते हैं जो पहनते नहीं है लेकिन वो अंदर बीच में ठुसे हुए होते हैं। तो इसके पापा की दो तीन इतनी अच्छी सी पैंट है, वो मुझे बहुत पसंद है बट वो नहीं पहनते, लेकिन मेरा किसी को देने का मन भी नहीं है, तो उनको उठा के मैं अच्छे से बेड में रख देती हूँ अभी। और एक ये वाला ना सूट मैंने ना स्टिच करवाया था एक दीदी से, बताती हूँ आप लोगों को। ये चीज़ ना इसकी अच्छे से नहीं आई जैसी मेरे को चाहिए थी ना, तो वो चीज़ इसका मतलब ये जो घेरा फ्रॉक है ना वो चीज़ अच्छी नहीं आई, तो इसको आज मैं ठीक करवाने के लिए लेके जा रही हूँ। उन्होंने बोला भी था कि आप ना इसको ले आना मैं इसको ठीक कर दूँगी, बट मुझे टाइम नहीं मिला, आज टाइम मिला है तो आज मैं लेके जाऊँगी इसको अंदर। तो जो अलमीरा से अक्सर कपड़े निकले हैं उनको मैं रख देती हूँ बेड के अंदर, ताकि अलमीरा में थोड़ा सा स्पेस बन जाए। और जो बेड में रख दूँगी ना वो कपड़े फिर यूज भी नहीं होते, तो कभी देखा जाएगा, किसी को देना होएगा तो दे दूँगी, नहीं तो फिर बेड में रहते हैं, बाद में देखा जाएगा क्या किया जाएगा। अभी फ़िलहाल तो मैं बेड में ही रख रही हूँ उनको। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर। ब्रश हो गया या मतलब कोई भी ऐसी किट होती है जिसमें हम पैसे वगैरह रखते हैं,
और वो रख के भूल जाते हैं और उसको बहुत दिन बाद याद निकालते हैं, तो कई बार उसमें पैसे पूसे निकल जाते हैं, बड़ी खुशी होती है ना। तो मुझे भी ऐसे ही खुशी हुई है अभी। ये वाला पर्स आई थिंक मैं लेके गई थी, अपने हस्बैंड का बर्थडे था उस दिन, और उसमें ना मैंने मुझे पता ही नहीं था इसके अंदर मैंने 500 का नोट डाला हुआ था, मुझे कोई आइडिया नहीं था 500 का नहीं, थोड़े और भी निकले हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, सुबह सुबह एकदम ऐसा मतलब सरप्राइज मिला। पैसे थे ही मेरे, मैंने ही रखे थे, बट वो है ना अगर मैं रख के भूल गई और मिलते ना तो खुशी होती है कि नहीं होती, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये है छोटे पैसे, वैसे मैंने अपने पर्स में रखती हूँ, लेकिन 500 का ये वाला पर्स मैंने लिया था ओनली 300 का। आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, ओनली 300 का लिया था गाइज। ठीक है गाइज, तो अभी टाइम हो गया है 10:10 की कमी है, और फटाफट से मैं अभी करूँगी किचन का काम कंप्लीट। तो मैं सोच रही हूँ 10:30 तक मैं अपने शो पे पहुँच जाऊँगी, मेरा खुद से खुद का चैलेंज है, देखती हूँ हो जाती हूँ या नहीं। जल्दी फटाफट से किचन को करती हूँ क्लीन, देखिए ज़्यादा नहीं है बट थोड़े बहुत है, जैसे बड़े बर्तन तो उनको अच्छे से उनकी जगह पर सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे ये थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह है, किशमिश वगैरह, ये भिगो देती हूँ क्योंकि रात थोड़ी सी ध्रुव की तबीयत ठीक नहीं थी तो उस टाइम मैं भूल गई थी, और अभी फिर से मैं इनको भिगो देती हूँ। ध्रुव को 2-3 दिन से बिल्कुल बंद करके रखा है, ये देखिए इनको पानी में भिगो देंगे तो अच्छे से फूल जाएंगे, कल मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में भी खा लेंगे, क्योंकि आज सुबह सुबह नहीं खाया। तो आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे करूँगी एंड, और अभी कोशिश कर रही हूँ लगातार कंटिन्यू थोड़े ब्लॉग डालने की। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हे गाइस, तो फटाफट से नहा ली हूँ रेडी, तो मैं जाके सैलून में ही तैयार होती हूँ, हमेशा जाके सैलून में ही तैयार होती हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि वहाँ जाके आराम से अपनी शॉप भी खुल जाती है, वहीं पर भी तैयार हो जाती है। और अभी आज मैंने बनाया था सुबह सुबह पोहा, तो वही आज ब्रेकफास्ट में, और साथ में है 1 कप दूध जो मेरी चाय की क्रेविंग है उसको ख़त्म कर देता है। चाय अभी आज से मैंने 2-3 दिन हो गए छोड़ दी है, वो भी मॉर्निंग की, तो ये देखिए ऐसे जूड़ा बताया होता, खोल लेती हूँ। तो चलिए और जो अभी हो गई है हमारी, तो गाय 10:30 मेरा काम कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं निकल नहीं पाई, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में मैंने काम किया बट नहीं हो पाया। चलिए कोई ना, और करती हूँ ब्रेकफास्ट और फिर मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है।